हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति कावरा MBA। आज मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए पार्टनरशिप। नाम तो बहुत सुना होगा, वैसे है बहुत इजी, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखना वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, कंटिन्यू मैं जैसे जैसे वीडियो डालती जाऊँ, जो भी अपलोड करती हूँ, आप उसको सीरीज वाइज देखना, बहुत ईजीली समझ में आएगी। हाँ, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई कलीग है, तो हमने प्लान किया कि हम मिलके कोई बिजनेस करते हैं। तो हम लोगों ने प्लानिंग करके व्हेन टू और मोर पर्सन, एक इंडिविजुअल नहीं, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस प्लान करते हैं, वो बिजनेस मैनेज करते हैं, और बाद में उसमें बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उनको वो शेयर करते हैं, तो ये जो पूरा जो है वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप। एक्चुअल में इसमें एक तो होना है मोर टू और मोर देन टू पर्सन होने चाहिए, वो बिजनेस करेंगे, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस में उनकी जो भी हो, जितने भी पर्सन होंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स की रिलेशनशिप है जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल, और वो बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो एग्री हुए हैं, जिनको मैनेज या तो वो सारे करेंगे जितने भी पर्सन है, या उनमें से उन्होंने कुछ को अपॉइंट कर रखा है कि आप लोग मैनेज करना, तो वो लोग मैनेज करेंगे। इस तरह से पार्टनरशिप इट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर पर्सन हु कैरीड ऑन द बिजनेस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स, ओके, एंड दैट बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय ऑल और बाय सम पर्संस। ठीक, अब पार्टनरशिप का मीनिंग हमने समझ लिया, बात करते हैं हम नेचर की। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? सबसे फर्स्ट, इसमें एटलीस्ट टू मेंबर तो होने ही चाहिए। सबसे पहला नेचर का इसका है फीचर कि इसमें कम से कम टू पर्सन तो होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल हुआ तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, तो दो पर्सन होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक लिमिट है कि 2% तो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में एक लिमिट है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं बन सकते। 3 हो 4 हो 10 हो 20 हो, पर मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50। तो फर्स्ट फीचर हो गया इसमें, एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप में? 2। सेकेंड फीचर है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। जो पार्टनर जितने भी हैं 2, 3, 4, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑरली भी हो सकता है और रिटन भी। एग्रीमेंट में वो अपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम फ्यूचर में बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कौन कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो सब एग्रीमेंट में होता है। पर एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि रिटन ही कंपल्सरी है। ठीक, थर्ड इसका फीचर है, देयर मस्ट बी लॉफुल बिजनेस। अच्छा, मान लो 2-3 फ्रेंड मिलके सोचते हैं कि अपन कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनरशिप करने का बेस बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैरिटी के लिए कोई फंड कलेक्ट करके और हम वो काम करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, दैट इज नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस होना चाहिए फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो ये हो गया आपका थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अच्छा, एग्रीमेंट में ये चीज, ये मैटर सबसे मस्ट है कि उनमें एक एग्रीमेंट ये भी होना चाहिए कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे, उनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे रिटर्न में चाहे ओरल में, उनकी हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इसका पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड द लास्ट फीचर, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनरशिप पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम। जो बिजनेस है उसको मैनेज करना, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पार्टनर्स जितने भी पार्टनर हैं, हो सकता है वो सारे मिलके मैनेज करें, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ही मिलके मैनेज करते हैं, तीनों ऑफिस साइड संभालते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने तीनों ने मिलकर कहा कि किसी एक पार्टनर ने कहा या मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने उन बाकी दो को अपॉइंट कर दिया। तो वो है, ये फोर्थ फीचर ये कहता है कि जो बिजनेस है या तो सारे ही पार्टनर मैनेज करते हैं, या उनसे उनमें से कोई और जो होता है, जिस किसी एक को, दो को, जिसको भी, जिन पार्टनर को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सारे ही मैनेज करें, कोई एक या दो जो भी है, जो उन्होंने अपॉइंट किया है, वो भी उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया, पार्टनरशिप के फीचर हो गए।
अब हम आगे चलते हैं, हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड। एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि जब पार्टनर बनते हैं तो उनके बीच एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ओरली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए रिटर्न हो तो बेटर होगा। तो वो रिटर्न जो डीड है, रिटर्न जो एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में, वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, बट बेटर होता है कि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएंगे इस वजह से। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? द रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, जो पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ होता है जिसमें सब पार्टनर साइन करते हैं। अच्छा, वो बनता क्या है, उसमें होता क्या है? उसमें एक्चुअली एग्रीमेंट होते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि हम अब पार्टनर बन रहे हैं, तो एक रिटर्न में सब सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, पर्पस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब हम उसमें मेंशन कर देते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है विच हैव ऑल द डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। उस डॉक्यूमेंट में आपकी पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन और सारी डिटेल होती है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब पार्टनर के साइन होते हैं, ताकि वो सबकी कंसेंट मिल जाती है उसमें ना। फिर है इट इज नॉट कंपल्सरी, हालांकि कंपल्सरी नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है? ये तो होता ही है कि कहाँ बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, फिर उसमें ये होता है कि कौन सा पार्टनर वर्किंग रहेगा, और अगर वो वर्किंग रहेगा तो उसको क्या रेमुनरेशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये भी उसी में होता है। इसके अलावा जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं बिजनेस में से, कुछ पार्टनर पैसा लेके जाते हैं, तो क्या उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उनकी ड्राइंग्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, किया जाएगा तो कितना किया जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर के रेमुनरेशन की, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट की, अगर उन्होंने ड्राइंग्स किए तो उनसे इंटरेस्ट लेने की, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब मैटर उसमें क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो सब उसमें मेंशन होता है एग्रीमेंट में। एक मैटर और होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे तीन पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उन्होंने कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट कर दी, बट मान लो 4 लाख रुपीज़ की और नीड है, तो ए और बी तो बोलते हैं मेरे पास तो पैसे है नहीं। अब सी बोलता है मेरे पास है, बट हमने सबने इक्वल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ए और बी यानी फर्म, तीनों मिलकर एक फर्म बन गई, पार्टनरशिप फर्म। तो वो लोग उससे सी से, जिसके पास पैसा है एक्स्ट्रा, उससे एज ए लोन फर्म पैसा ले लेती है लोन। तो उसमें वो जो लोन देता है सी, पैसा जो 4 लाख रुपीज लगा रहा है, वो एज ए लोन देता है। तो उस लोन पे हमको यानी फर्म को कितना इंटरेस्ट देना है, वो सारा मैटर इस पार्टनरशिप डीड में क्लियर होता है। ठीक, अब ये सारे मैटर उसमें डिस्कस होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? रिटर्न नहीं है, अब ओरली हमने करा, और फ्यूचर में फिर भी हो सकता है डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इन केस पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा? इन केस पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन हमको फॉलो करनी होगी? तो ये परमानेंटली है कि ये नहीं है, तो हमको फिक्स है कि ये वाले रूल फॉलो करने होंगे। फर्स्ट रूल, प्रॉफिट और लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर डीड नहीं है तो तीन पार्टनर है तो तीनों में प्रॉफिट और जो लॉस जो शेयर होगा इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उन पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज। अच्छा, अगर उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने जो ड्रॉइंग्स की है, पैसा विड्रॉ किया है हमारे बिजनेस में से पार्टनर ने पर्सनली, उनसे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हम रूल पढ़ रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तो ये हमको फॉलो करने होंगे। फोर्थ क्या कंडीशन है, इफ एनी पार्टनर प्रोवाइड्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म को लोन देता है, पार्टनर की हैसियत से नहीं, लेंडर की हैसियत से लोन देता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके उसके लोन पे, 6% पर एनम। लास्ट क्या रूल है, एनी रेमुनरेशन विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे एक्टिव हो, चाहे वो वर्किंग नहीं हो। ठीक है, वर्किंग हो तो भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीड में
को डीड है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको इन द अबसेंस ऑफ डीड फाइव है कि अपने आप इंप्लाइड है कि आपको ये मानना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर होगा। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आईओडी चार्ज नहीं किया जाएगा, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट है कि किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। चलो, अब ये मैटर डिस्कस हो गया, पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया, पार्टनरशिप के फीचर्स हो गए, पार्टनरशिप डीड हो गया। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एब्सेंस में क्या क्या रूल हमको फॉलो करने होंगे, ये भी हो गया। अब कुछ मैटर हम आपको से क्लियर करते हैं कि ये जो पार्टनर, कभी कभी जैसे ये लोन है, पार्टनर ने लोन दिया है, ये आपको क्लियर करना होगा कि पार्टनर ने जो लोन दिया है वो लेंडर की हैसियत से दिया है, ये पार्टनर की हैसियत से नहीं दिया है। एक और ऐसा मैटर आ सकता है, जैसे पार्टनर्स को बिजनेस चलाने के लिए कोई बिल्डिंग चाहिए, अब बिल्डिंग वही ए के पास है, एक अच्छा खासा ऑफिस है, अब बी और सी के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ए ने कहा ठीक है मेरा ऑफिस यूज ले लीजिए, तो यहाँ वो जो अपना ऑफिस फर्म को यूज करने के लिए दे रहा है उसको रेंट देगी फर्म, फिर तो यहाँ जो फर्म उसको जो रेंट देगी वो रेंट भी पार्टनर की हैसियत से नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये रेंट उसको एक लैंडलॉर्ड की हैसियत से दिया जाएगा। ओके, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और उसकी बिल्डिंग का रेंट, ये जो दोनों दिए जाएंगे किसी भी पार्टनर को, ये लेंडर की हैसियत से या लैंडलॉर्ड की हैसियत से दिए जाएंगे, पार्टनर की हैसियत से नहीं दिए जाएंगे। तो ये आज पार्टनरशिप का बेसिक खत्म होता है, और कल हम प्रैक्टिकल पार्ट, नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट सेशन, उसमें हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे।